हे गाइस, सुपर बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में आपका वेलकम। आज की सुपर बैटल बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर के साथ होने वाली है, जहां सबसे पहले हमारे पास है रेन किंग थोर, जो कि थोर की सबसे पावरफुल फॉर्म है और मार्वल कॉमिक में शायद ही कोई और सुपर हीरो होगा जो कि रेन किंग थोर जितना पावरफुल हो। रेन किंग थोर के बाद है डॉक्टर स्ट्रेंज का आज तक का सबसे पावरफुल फॉर्म, यानी कि स्ट्रेंज सुप्रीम, यानी कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसने वॉट इफ सीरीज में एमसीयू के पावर लेवल को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलकर एमसीयू की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल और डेंजरस विलन अल्ट्रॉन विजन को हराया है। और लास्ट में डॉक्टर मैनहट्टन और डीसी के सारे सुपर हीरो अपने ओवर पावर्ड होने की वजह से जाने जाते हैं। और जब भी डीसी के मोस्ट पावरफुल बींग की लिस्ट बनाई जाती है और उसमें डॉक्टर मैनहट्टन का नाम ना हो, वो लिस्ट हमेशा अनकम्प्लीट ही कहलाती है। तो आज के सुपर बैटल में हम इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे इन तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और अगर कभी इन तीनों में फाइट होया जो हिस्ट्री की सबसे डेंजरस फाइट होने वाली है, तो उस फाइट का विनर कौन होगा। सो बिना किसी देरी के हम हमारी हिस्ट्री की सबसे भयानक फाइट की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम इन कैरेक्टर्स के पावर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रेन किंग थोर की। तो कॉमिक की रैग्नारोक स्टोरी में थोर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और ओडिन फोर्स हासिल कर लेता है, जिसके बाद तो थोर एक अलग ही आइडेंटिटी बन जाता है। उस टाइम पर थोर इतने ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उस टाइम पर उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। रेन किंग थोर ने केवल अपने एक हासर में कुक को भी खत्म कर दिया था। मेन कुक जिसे द माइटी थोर कॉमिक लाइन में ओडिन भी नहीं हरा पाए थे। थोर की रेन पावर से तो भाई सेलेस्टियल जैसे बीइंग भी डरते हैं। और रेन किंग थोर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकता है, और ओडिन से तो ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। और रेन किंग थोर ने अपने बहन एला, जो की मौत की देवी है, उसे भी हरा रखा है। वेल, ये तो हो गई रेन किंग थोर की पावर्स की बात। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स की। स्ट्रेंज सुप्रीम यानी कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत से मिस्ट्रिकल और मैजिकल बींग्स की पावर्स को एब्जॉर्ब किया है, और उन सब बींग्स की पावर अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। स्ट्रेंज सुप्रीम ने 500 सालों तक बिना कुछ किए केवल इन मिस्ट्रिकल और मैजिकल बींग्स की पावर को एब्जॉर्ब किया है, जिससे कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो अपने पावर से एक एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज कर देता है, जिसे चेंज करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। स्ट्रेंज सुप्रीम ने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को तो इजीली हरा दिया था, मगर वो बस यहाँ तक ही नहीं रुका। इसके बाद वो टकरा अल्ट्रॉन विजन से, जो कि आज तक का सबसे पावरफुल विलन है। वो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलकर अल्ट्रॉन विजन को भी हरा देता है। और स्ट्रेंज सुप्रीम के स्पेल भी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि लिटरली इन्फिनिटी स्टोन की पावर उनके सामने कमजोर नजर आ रही थी। और इन्हें सारे मूव्स की वजह से स्ट्रेंज सुप्रीम पावरफुल विंग्स की लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में ही आते हैं। वेल, ये तो हो गई स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की। तो डॉक्टर मैनहट्टन के पास वो सारी पावर्स है जो कि एक सुपर हीरो में होती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी। मगर इन सब के साथ साथ डॉक्टर मैनहट्टन के पास है टाइम ट्रेवल एबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, फोर्स स्पीड प्रोजेक्शन, फ्लाई, इमोर्टलिटी, हीलिंग फैक्टर और मॉलिक्यूलर रिकंडक्शन, जिससे डॉक्टर मैनहट्टन केवल अपने माइंड से चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उन्हें वापस बना भी सकता है। और डॉक्टर मैनहट्टन ने लिटरली मार्स पर अपना एक पहले से बना डाला, और वो खुद के कई मल्टीपल क्लोन भी बना सकते हैं, और वो एक इमोर्टल है, और इमोर्टल होने की वजह से डॉक्टर मैनहट्टन कोई भी नहीं मार सकता, और वो सिर्फ वांडा की तरह रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये पावर उन्हें और भी ज्यादा डेंजरस बना देती है। और टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी, ये सब पावर भी डॉक्टर मैनहट्टन के पास है, जो कि डॉक्टर मैनहट्टन को एक ओवर पावर कैरेक्टर बना देती है। इसलिए डॉक्टर मैनहट्टन पावरफुल कैरेक्टर की लिस्ट में वैसे टॉप 5 में ही रहते हैं। वेल, मैंने इन तीनों कैरेक्टर्स की पावर्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, और अब आप सबको भी आइडिया हो गया होगा कि ये तीनों कितने पावरफुल बीइंग है। अब चलते हैं फाइनल शोडाउन की तरफ कि इन चारों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो यार, उसमें तो रेन किंग थोर के आसपास भी कोई नहीं आता, ना ही डॉक्टर मैनहट्टन, ना ही स्ट्रेंज सुप्रीम। क्यों? क्योंकि भाई थोर 1000 ऑफ द ईयर ओल्ड है, और इतने सालों में उसने कई सेलेस्टियल और कई मैजिकल विंग्स से फाइट की है, और इसलिए उसके पास बहुत ही ज्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस है। वेल, अगर हम टाइम ट्रेवल की भी बात करें तो इन तीनों कैरेक्टर्स के पास टाइम ट्रेवलिंग की एबिलिटी है, जिसमें स्ट्रेंज सुप्रीम के पास है टाइम स्टोन, और उसने अपने पावर से एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ही चेंज कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ थोर अपने रेन मैजिक से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकता है, और उसे चेंज भी कर सकता है। बट डॉक्टर मैनहट्टन की टाइम ट्रेवल की पावर तो भाई एकदम ही नेक्स्ट लेवल पर है। वो जब चाहे तब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में एक ही टाइम पर एक ही साथ मौजूद रह सकता है। इसलिए टाइम ट्रेवलिंग वाली एबिलिटी में तो डॉक्टर मैनहट्टन हमें कुछ ज्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं। सो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट स्ट्रेंथ की, एंड इसी पॉइंट में हमें क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर डॉक्टर मैनहट्टन की बात करें तो डॉक्टर मैनहट्टन एक इमोर्टल है, जिस वजह से उसे कोई भी नहीं मार सकता, और उन्होंने बड़ी आसानी से ग्रीन लैंटर्न की रिंग्स को तोड़ दिया था, वो भी केवल अपने एक ही हाथ से। और यही नहीं, डॉक्टर मैनहट्टन ने अर्थ के सारे सुपर हीरो को दूर फेंक दिया था, और एक बार सारे सुपर हीरो ने अपने पावर्स को कंबाइन करके डॉक्टर मैनहट्टन को मार डाला था, मगर बस वो कुछ ही
सेकेंड में डॉक्टर मैनहटन वापस जिंदा हो गए थे। डॉक्टर मैनहटन यूनिवर्स को भी खत्म करने का पोटेंशियल रखते हैं और डॉक्टर मैनहटन की पावर्स को डीसी के मोस्ट पावरफुल बींग से कम्पेयर किया जाता है। बट जहाँ डॉक्टर मैनहटन इतना ज्यादा पावरफुल है भाई, इनके कुछ लिमिटेशन है या फिर कहो कुछ वीकनेस है, जैसे कि उसे केवल मेंडिस एक ही मशीन के हेल्प से डॉक्टर मैनहटन की फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी को खत्म कर देता है। इसके अलावा डॉक्टर मैनहटन को इंटेलिजेंट बींग भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर मैनहटन कुछ कम पावरफुल हो। वे लाभ ले लेते हैं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी। तो जैसा कि सब जानते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम के पास कितने विंग्स की पावर्स है, स्ट्रेंज सुप्रीम के पास कोई भी आ जाए वो इजिली उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रॉन विजन का गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाला अटैक भी डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर स्ट्रेंज सुप्रीम ना होते तो अल्ट्रॉन विजन को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता। स्ट्रेंज सुप्रीम के बाद जानते हैं रेन किंग थोर की स्ट्रेंथ के बारे में। रेन मैजिक होने की वजह से थोर यूनिवर्स में होने वाले हर इवेंट्स के बारे में जानता है। रेन किंग थोर ने अपने पावर से सिर्फ मैंगोक को ही नहीं हराया था बल्कि उसे रियलिटी से इरेज कर दिया था। रेन किंग थोर के पास है लाइफ सोल और एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर। रेन मैजिक ओडिन फोर्स और ओडिन फोर्स की हेल्प से लिटरली उसने 7 एडो भी सेडो को हरा दिया था, जो कि एस्गार्डियन गॉड के लेवल के बींग थे या फिर वो सेलेस्टियल थे। तो जो एक टाइम पर 7 सेलेस्टियल को हरा सकता है उसके पास कितनी स्ट्रेंथ होगी उसका अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हो। तो इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है? तो वो है रेन किंग थोर, जिसने डॉक्टर मैनहटन और स्ट्रेंज सुप्रीम से भी कहीं ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस हमारे सामने दी है। और अगर इन तीनों में कभी फाइट होगी तो शायद ही कोई इस साइड का बिना निकल के आएगा, बिकॉज इन तीनों के पास सेम सेटअप पावर्स है। तीनों प्योरली इमोर्टल है, तीनों टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं, इसलिए तीनों एक दूसरे को बीट नहीं कर पाएंगे। बट रेन किंग थोर का जो पास्ट है वो उसे बाकी के कैरेक्टर से कहीं आगे खड़ा कर देता है। इसलिए अगर मुझे इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो भाई मैं तो चुनूंगा रेन किंग थोर को। तो इसलिए आज के कंपैरिजन में बिना निकल के आएगा हमारा रेन किंग थोर। बट ये तो मेरा ओपिनियन है, आप लोग भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपके हिसाब से कौन होगा इस फाइट का विनर वो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।